आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहज मित्रा के बारे में। सहज मित्रा एक CSE की तरह ही एक पोर्टल है जहां पे आपको ढेर सारा सर्विसेज मिल जाता है और आप ये सर्विसेज जितने सर्विस आपको दिए गए हैं इसमें सहज मित्रा में ये आप कस्टमर को प्रोवाइड करके दे करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप सहज मित्रा के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। आपको सिक्रेटरी रीजन के लिए आपको 20,000 रुपीज आपको जमा करना पड़ेगा जो आपके सहज मित्रा वॉलेट में ही आपके रहेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप सहज मित्रा के लिए आप किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा तब आप समझेंगे किस तरीके से आप सहज मित्रा के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दिया हूं जिस लिंक पर जाकर डायरेक्ट ऑफिस जो पेज है इस पर आप ओपन हो सकते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं ये सहज मित्रा पोर्टल या CSE की तरह ही एक पोर्टल है जिस पे आपको बहुत सारे सेवाएं मिल जाएंगी जो अपने गांव में या शहर में हो तो वहाँ पर आप पब्लिक को सेवाएँ दे सकती हो। तो आपको रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड मिलने के बाद आपको इसमें 12,000 मतलब 12,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे जो डिपॉजिट के लिए, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे CSE में पहले ही जमा ले लेता है तो ऐसा नहीं है, आपको पहले से आपको रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड मिल जाएगा तो इसके बाद आप इसमें 12,000 रुपये जमा करके आप सेवा दे सकते हैं और इस पोर्टल से बहुत ही आप इनकम अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहले आपको क्या करना है इस पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है इस पर देख रहे हैं, यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन का, आपको सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पे जाके सिंपली इसको कर देना है ओके। इसके बाद आपको कुछ इस तरह से ये पेज ओपन होकर आ जाएगा, यहाँ पर चूज कर लें इंडिविजुअल है या बिजनेस है जो भी है तो वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। यहाँ पर आपको कैटेगरी चूज कर लेना है कि आपको कौन सा कैटेगरी चाहिए, तो यहाँ से आप चूज कर लेंगे सहज मित्र। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप गांव में लेना चाहते हैं या शहर में लेना चाहते हैं, तो जो भी लेना चाहते हो वहाँ पर चलिए मैं एक गाँव का चूज कर लेता हूँ। इसके बाद सिंपली आपको कर देना है कंटिन्यू। तो इस तरह से यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पे आप चूज कर लेंगे अपना टाइटल कि आपका टाइटल क्या है, तो जो भी आपका टाइटल तो यहाँ से आप चूज कर लेंगे। चलिए मैं अपना टाइटल यहाँ से चूज कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, यहाँ पर मिडिल नेम, यहाँ पर नाम डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ इसमें से चूज कर लेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो यो यहाँ पर आप जाके इस कैलेंडर में से अपना चूज कर सकते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जेंडर चूज कर लेना है कि आपका जेंडर कौन है, मेल है फीमेल है, तो वो डाल देंगे। यहाँ मैरिट स्टेटस चूज कर लेंगे कि आपका मैरिड हुआ है या डिवोर्स है या वर्ल्ड वाइड है, तो जो भी है तो यहाँ पे आप मैरिट के लिए चूज कर लेंगे। यहाँ नेशनलिटी चूज कर ले, आप इंडियन है या अदर है, तो यहाँ हम इंडियन चूज कर लेते हैं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, यहाँ पे आने के बाद यहाँ बोल रहा है कि फ़ोन और ईमेल आईडी आपको भरने के लिए, तो यहाँ अपना जो वेरीफाई मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप टाइप डाल देंगे मोबाइल नंबर। इसका जो इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे, जो भी वेरीफाई ईमेल आईडी है यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर ऑप्शनल का ऑप्शन दे रहा है तो जो मोबाइल जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको डालना है तो यहाँ पर आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि गार्जियन का डिटेल डालना है तो यहाँ पर इसका भी सब टोटल चूज कर लेंगे अपने गार्जियन का कि क्या है। यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो यहाँ देख रहे हैं कि ऑप्शनल दिख रहा है तो यहाँ मुझे मिडिल नेम लास्ट नेम है तो उसको नहीं भी डालिए चलेगा। यहाँ रिलेशन चूज कर लेंगे कि गार्जियन से रिलेशन क्या है, तो इस पर चूज कर लेंगे फादर है मदर है या स्पाउस है, जो भी है चूज करने के बाद यहाँ कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको कुछ इस तरह से आपको मोबाइल पे एक OTP आएगा 6 नंबर का, उसको डाल के अपन कर देना है यहाँ सिंपली कंटिन्यू। तो कंटिन्यू करने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो गया। इसके बाद सिंपली आपको इसी तरह से ईमेल आईडी को वेरीफाई करना पड़ेगा तो सिंपली आपको कर देना है ईमेल आईडी पे वेरीफाई पे ओके। तो यहाँ पे ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे, जैसे वेरीफाई करेंगे तो ये मेरा जो आप ईमेल आईडी है उस पर मेरा देखिए OTP पहुँच गया, तो मैं OTP अपने ईमेल आईडी से यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए मेरे केस में यहाँ पर आ गया तो मैं सिंपली करूँगा यहाँ पर ओके, और देखिए मेरा ये ईमेल आईडी है 94-58 है तो वो यहाँ पर मैं डाल दूँगा। डालने के बाद कर देना सिंपली कंटिन्यू।
कंटिन्यू हो गया, तो सिंपली आपको क्या करना है, सेवन कंटिन्यू, इसके लिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ आपको आ गया है बैंक डिटेल, तो आपको यहाँ से अपना बैंक को चूज कर लेना है, यहाँ से IFSC चूज कर लेना है, यहाँ से बैंक का जो नेम है बैंक वो यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर कर देना है अकाउंट नंबर को टाइपिंग, यहाँ पर कर देना है आपको अकाउंट नंबर जो है उसको, यहाँ पर कौन से सेविंग है, करेंट है, तो जो भी है वो यहाँ से डाल देना है। इसके बाद यहाँ से आप सिंपली अगर आपको कुछ गलत है तो यहाँ पे करके सही कर लेना है, अगर सही है तो आप कर देना है सेवन कंटिन्यू। यहाँ पे आपको एक लोकल रेफरेंस देना होगा, तो उसका यहाँ से टाइटल चूज कर लेंगे, जिसका भी रेफरेंस लोकल रेफरेंस बनाना चाहते हैं उसका यहाँ नाम देंगे, जो भी नाम है। इसके बाद रेफरेंस चूज कर लेंगे कि ये वो आपको क्या लगता है, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर उसका पूरा एड्रेस डाल देंगे। एड्रेस डालने के बाद आपको कुछ दोनों को छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसके बाद यहाँ सिंपली कर देना है सेवन कंटिन्यू। इसके बाद आप सिंपली आपको यहाँ पे आपको ये जो स्कैन फोटो है उसको अपलोड कर लेना है। यहाँ एजुकेशन यहाँ से चूज कर लेंगे कि आप क्या किए हुए हैं, BA, BCOM, BTEC या जो भी किए हुए हैं वो इसमें से आप चूज कर लेंगे। उसका डॉक्यूमेंट जो है मार्कशीट उसको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर बोल रहा है कि आपके पास पैन कार्ड है तो यस करेंगे, नहीं तो हम नो कर देंगे। चलिए मेरे पास है तो हम यस कर देंगे। यहाँ पर उसको अपलोड करना पड़ेगा पैन कार्ड को। इसके बाद यहाँ बोल रहा है कि आपका आधार कार्ड है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। चलिए मेरे पास आधार कार्ड भी है तो हम इसको ओके कर देते हैं। यहाँ आपको आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। एक बोला आपको यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ से चूज कर लेना है, आपके पास क्या है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, पैन कार्ड है। चले मेरे पास आधार कार्ड है, हम आधार कार्ड को यहाँ पे आपको यहाँ आ गया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आधार कार्ड का अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ देख रहे हैं कि कोई आपका एड्रेस प्रूफ है तो वही एड्रेस प्रूफ है, इसमें से आप चूज कर लेंगे आपके पास एड्रेस प्रूफ में क्या है। तो यहाँ देखिए आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, लैंडलाइन फ़ोन डिस्प्ले बिल, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वाटर बिल, वोटर आईडी। चलिए मेरे पास तो सभी है, मैं एक चूज कर लेता हूँ, इसमें आधार चूज कर लेता हूँ। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे आधार भी यहाँ पे आधार कार्ड यहाँ पर आपको आधार अपलोड करने पड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको अगर GST नंबर है तो यस करेंगे या नहीं है, अगर है तो यहाँ पे उसका GST का फाइनल जो भी आपका नंबर है उसमें यहाँ पर अपलोड करने पड़ेगा, अगर मेरे पास नहीं है तो हम नो करेंगे। इसके बाद सिंपली यहाँ कर देना आपको सेवन कंटिन्यू। और जो भी आधार कार्ड डालेंगे या एड्रेस डालेंगे तो उसका यहाँ पे नंबर डालना पड़ेगा, तो वो आप डाल लीजिएगा। इसके बाद सिंपली कर दिया सेवन कंटिन्यू। और यहाँ पर देखिए पैन नंबर डालने के बाद आपको वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा, तो यहाँ से आप वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से सिंपली सेवन कंटिन्यू पर कर दीजिएगा। इसके बाद पूछ रहा है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे इसमें से कोई एक डिवाइस यहाँ पर आपको मैंडेटरी है चूज करने के लिए, तो आपको जो भी डिवाइस है यहाँ से चूज कर लीजिएगा। डेस्कटॉप है, चलिए मेरे पास डेस्कटॉप ही है। यहाँ प्रिंटर है, मेरे पास प्रिंटर भी है। यहाँ लैपटॉप है, मेरे पास लैपटॉप भी है। स्कैनर है, मेरे पास स्कैनर भी है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ बोल रहा है वेब कैमरा है, मेरे पास वेब कैमरा भी है, तो मेरे पास सभी है। अब जो भी आपके पास हो सो उसमें से आपको एक ठो को चूज करना ही करना है, यहाँ पे मैंडेटरी है तो यहाँ पे आपको एक चूज करना ही पड़ेगा। तो मेरे पास सभी है, मैं सभी को यहाँ से चूज कर लेता हूँ। इसके बाद मैं कर देता हूँ आई एग्री, ओके। इसके बाद सिंपली कर देना है रिव्यू एंड सबमिट, इसके लिए मैं यहाँ सबमिट कर देता हूँ। इसके बाद आपके यहाँ पे पूरी एप्लीकेशन आ जाएगी, ये एप्लीकेशन को आप एक बार चेक करेंगे। चेक करने के बाद देख रहे हैं मेरे पास सभी एप्लीकेशन जो मैं भरा हूँ वो पूरा एप्लीकेशन आ गया है। एक बार चेक करने के यहाँ सबमिट पर ओके करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। या देख लीजिए कंग्रेचुलेशन लिखा के आ गया है, और आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपका जो रजिस्ट्रेशन ये नंबर है वो आपको भेज दिया गया है। और आप चाहे तो यहाँ से इस नंबर को सेव करके यहाँ से आप इसको रख भी सकते हैं, तो इसको आप सिंपली सेव करके रख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ बोल रहा है रिवर्ट वेटिंग 3 डेज वर्किंग डे, आप 3 डे में ये आपका अप्रूव हो जाएगा। और आप बहुत ही आसानी से इसको आप देख सकते हैं, तो आपको कहाँ देखना है मैं वही बता देता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर पर जाकर आप कॉल भी कर सकते हैं और जानकारी आगे का ले सकते हैं। तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया गया है, तो यहाँ से सिंपली जाइएगा यहाँ पेज पे आके, यहाँ रजिस्ट्रेशन वाले पे यहाँ देख रहे हैं कि नाउ योर रजिस्ट्रेशन स्टेटस, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन आईडी भेजा गया है वो यहाँ डाल के कर देना है यहाँ से सबमिट। यहाँ देखिए मेरे केस में यहाँ मेरा आईडी है, मेरा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, तो यहाँ सिंपली यहाँ से इसको कॉपी भी करके और आपका जो पोर्टल है यहाँ पेश कर दीजिएगा। तो जिसमें पहले से पेश कर रखा हो इसको कर देना है सबमिट। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से प्रोसेस दिखा देगा, तो आप यहाँ पर प्रोसेस देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको इस केस में ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ देख रहे हो कि यहाँ अप्रूवल के लिए अभी पेंडिंग है। तो जैसे कि मैं पहले दिखाया हूँ कि 3 दिन में आपका ये आपका जो यूजर आईडी या पासवर्ड आपको क्रिएट होकर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आ जाएगा और ये अप्रूव हो भी जाएगा आपका।
और यहाँ जो देख रहे हैं व्यू फॉर्म, व्यू फॉर्म पे आप क्लिक करके अपना फॉर्म यहाँ से देख भी सकते हैं। सो इस तरीके से आप सहज मित्रा पोर्टल के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा तो आपको सिक्योरिटी के लिए 12,000 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। फीस आपको कोई नहीं देनी है, आपको सिर्फ सिक्योरिटी देनी होगी। इसके बाद अपने सहज मित्रा पोर्टल से आप बहुत ही आसानी से आप काम शुरू कर सकते हैं। सो गाइस, आपने जाना कि किस तरीके से आप सहज मित्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।